शिव भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है गौरा के घर में। आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ, मीरा और विद्या की रक्षा कीजिएगा। हे अंबे माँ, कोकिला मोदी की पोतियों की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करने जा रही हूँ मैं, मुझे आशीर्वाद देना। चलो तो अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें। चलिए चलिए मौसी, आइए। मेरी पोती विद्या कहाँ है? कहाँ है? यही है, और कहाँ होगी? बहुत पेन हो रहा है ना, जब हमारी सो कॉल मोदी फैमिली मुझे हर बात के लिए ब्लेम किया करती थी ना, तब मुझे एग्जैक्टली ऐसा फील होता था जो अभी मुझे फील हो रहा है। मैं मेरी छोटी बहन की हमेशा रक्षा करूंगी। अरे आज विद्या की मुंह दिखाई की रस्म हो रही है, तू कहे तो रोक दू। हटिए, क्या कर रही हो? छोड़िए मुझे, छोड़िए। क्या हुआ? मुझे विद्या की चीख सुनाई दी। क्या हो रहा है मेरी विद्या के साथ? कोकिला मोदी, नाटक कंपनी मैं चलाती हूँ और नौटंकी तू कर रही है। विद्या, तेरी दादी मरे जा रही है। तुझसे बात करने के लिए ले, जा जा, दादी से भी चुगली कर ले। दादी से कहिए मैं बाद में कॉल करती हूँ उन्हें। सुन ली अपनी पोती की बात? विद्या, तेरी दादी को मैं बता दूँ कि आज हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए। चेतावनी दे रही हूँ तुझे, मेरी पोती विद्या का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, समझी गई? रोले दिखरा, रोले। यही नजारा देखने के लिए तो मैंने कोकिला मोदी की पोती को इस घर की बहू बनाया है। इतने साल जो मैंने आंसू बहाए हैं, उसका बदला है। और अब यही आंसू दादी भाई की। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, तुम कहाँ भाग रही हो? अरे मैं बाकी हूँ, मुझे तो मुंह दिखाई करने दे। बैठ।
क्या हुआ? जलन हुई? अरे कोयला है, चलेगा तो सही। मुंह दिखाई की रस्म है, करनी तो पड़ेगी ही। अरे बहुत जल्दी है तुझे जाने की, अभी तेरी सास बाकी है, उसे भी मुंह दिखाई करने दे। तू कहाँ आ रही है? तुझे बोला किसी ने? तेरी बात नहीं कर रही हूं मैं। इस सास की बात कर रही हूं। मीरा के साथ तो तेरा दोहरा रिश्ता है, तो ये कोयले वोयले की विधि थोड़ी ना करेगी वो। इसके लिए तो मैंने खास तैयारी की है। खास मतलब? स्पेशल तैयारी की है। अरे लाओ भाई लाओ। ले लो और दिखा दे अपने बहन कि अपनी सास को नीचा दिखाने की कोशिश करने का अंजाम। Peace.
छोड़ो, छोड़िए मेरी बहन को, उसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ दीजिए। इसका गुस्सा तो हमेशा सातवें आसमान पर रहता है, तभी तो पहली बीवी छोड़कर चली गई। और अब ये दूसरे के साथ भी ऐसे ही मार पिटाई करेगा तो दूसरे भी छोड़ के चली जाएगी। छोड़ो। ये गौरा का बेटा तो जाइले जाइले। छोड़ो। बस धर्म बस। छोड़ दे। और मेहरबानी करके आप लोग भी जाइए। चलो जाओ जाओ। बहुत थैंक यू। जा रहे जा रहे। जिन लोगों को आपने मेरा और मेरे परिवार का अपमान करने के लिए बुलाया था, वो आज आपका और आपके परिवार का अपमान करके चले गए। जो जैसा होता है वैसा ही पाता है बाजी। खबरदार। देखिए आप मेरे ससुर हैं, इसलिए प्लीज तमीज से पेश आइए मेरे साथ, वरना अभी पुलिस में कंप्लेंट करके आपको अंदर करवा दूंगी। जो करना कर ले जा। बस तरफ चल अंदर। मैंने कहा ना चल। ठीक है विद्या, तू अभी मुझे जानती नहीं है, तुझे अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। ए, बाप के लिए गर्म पानी लेके आ चल। वाह दीप वाह, आज सबसे ज्यादा दांत तो तुम्हारी देनी पड़ेगी। वही लड़की हो ना दी, जिसने कभी अपने परिवार की एक बात तक नहीं सुनी, आज उसी लड़की ने दूसरों की बातों में आके अपने परिवार की इंसल्ट तक सुन ली। वाह, एक अनजान इंसान तुम्हारे बाल खींचकर तुम्हारी इंसल्ट करता रहा और तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वेल डन दी। मुझे शरफ विद्या, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। उस जाहिल गवार ने मेरे बाल खींचे, वो भी तेरी वजह से। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो दी, मुझे शर्म नहीं आती ना तुम्हें? मेरी बड़ी बहन होकर मेरी हेल्प करने के बजाय तुम बाजी की बात सुनकर तेरे पे गोबर लगाने वाली थी। गोबर थी। What's wrong with you? हाँ हाँ, wrong तो हमेशा मैं ही होती हूँ। तू तो हमेशा right रहती है ना? ये तो बहुत हो गया। अब ना ही मुझे तेरी कोई बात सुननी है और ना ही तुझसे कोई बात करनी है। समझी? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।